रही हूँ चिली पनीर, वो भी सुमन की रसोई में सुमन के तरीके से बनाई है, और चिली पनीर का आनंद लीजिए। और फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूले। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए हमने शिमला मिर्च इस तरीके से काट लिया है, और प्याज भी बड़े बड़े टुकड़े में बड़े बड़े साइज के काट लिए हैं। तो सबको अलग अलग कर देंगे, और दोनों तीन प्याज तीन शिमला मिर्च हमने काट के तैयार कर रखा है, और हमने पनीर भी इस साइज के काट लिए है। तो इसी तरीके से हमने छोटे चॉप किए हुए प्याज इस तरीके से एक बड़ा साइज का प्याज काट लिया है, और टमाटर हमने तीन से चार बड़े साइज के ले रखे हैं। और मैं काजू एक से डेढ़ घंटे पहले मैंने फुल क्रीम दूध में भिगो दिया है, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। शाही चिली पनीर बना रही हूँ, इसके लिए देखिए हमने भिगो दिया है, फुल क्रीम दूध में भिगोया था, या आप चाहो तो मलाई में भी हो सकता है। देखिए हमने कढ़ाई रख रखी हूँ, गैस पे गर्म हो रहा है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है एक दो चम्मच बड़े साइज के। अब मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों डाल के सॉटे करूंगी। इस तरीके से थोड़ी देर दो से तीन मिनट सॉटे करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से सॉटे हो गए हैं, तीन से चार मिनट हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसी बर्तन में। देखिए हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, गरम भी हो रहा है। गैस को मैं मीडियम कर दी हूँ, और इसको मैं घी डाल देती हूँ एक से दो चम्मच। अच्छी तरीके से तवा में चारों तरफ लगाने के बाद मैं इसमें जो पनीर काट के रखी हूँ हल्का हल्का इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी इस तरीके से। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसलिए इसे रोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको हल्का सा तली हूँ। इसमें देखिए कितना पानी छोड़ा है, और मैं इस तरीके से पला दूंगी, इसीलिए पानी के लिए ही हल्का सा तलने से पानी इसका खत्म हो जाता है, बन जाता है। आप देख सकते हैं देखिए कितना पानी है इसमें। देखिए इस तरीके से हमने कर दिया है, अच्छे से तल दिया, बस ज्यादा नहीं तलना है, नहीं टाइट हो जाएगा पनीर, इसलिए बस खाली इसका पानी गलाने के लिए मैं हल्का हल्का तल दी। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए हमने गैस को मीडियम कर दिया है, कढ़ाई रख के बड़े चम्मच से एक चम्मच तेल डाल दिया है। अब मैं बनाने चल रही हूँ, दिखाती हूँ। मैं जीरा ले रखी हूँ, एक चम्मच जीरा डाल दी, और तेज पत्ता है। और एक पिंच हींग। देखिए जीरा अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें जो प्याज चॉप कर रखी हूँ वो डालूंगी। इसके मैं ग्रेवी नहीं बनाई हूँ, हर पनीर में ग्रेवी बनाई हूँ, इसको आप ग्रेवी भी बना सकते हो। मेरा दूसरा पनीर आप शाही पनीर वगैरह देख सकते हैं, और इसमें मैं ग्रेवी बनाई हूँ, इसकी रेसिपी मैंने डाला है इसमें मैंने। आप चाहो तो ऐसे इस तरीके से रोस्ट करके आप पीस सकते हो मिक्सर में, लेकिन मैं ऐसा नहीं बना रही हूँ। मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके लिए लेके आई हूँ, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाने वाला रेसिपी है। तो आज को मैं थोड़ा सा और रोस्ट करूँगी अच्छे से,
देखिए ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें गैस को कम कर दूंगी। कम करने के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए ये टमाटर, जो टमाटर हमने काट रखे थे उसका पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं पेस्ट डाल दूंगी। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी थोड़ा सा, तो मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें काजू का पेस्ट बना रखी हूँ, अब उसे मिला दूंगी। देखिए इस तरीके से आप चाहो तो ग्रेवी भी बना सकते हो, जिस तरीके से मैं और पनीर भी बनाई हूँ, ये मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए ज्यादा झंझट ना लगे, आप इसी तरीके से बनाइए। देखिए अच्छे से हो चुका है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज रोस्ट किया हुआ डाल दूंगी। बन गया ना झटपट जल्दी से, अब मैं इसमें पनीर भी डाल देती हूँ। देखिए बनके शाही पनीर तैयार हो गया, चिली पनीर, शाही चिली पनीर। देखिए मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर दूंगी, 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से हो चुका है, बन गई ना शाही चिली पनीर झटपट। अब इसे धनिया डाल के गैस बंद कर देती हूँ, धनिया डाल के गर्मा गर्म सर्व करिए। फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आपकी एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाती है आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।